हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विस्तारिक में। तो दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 3 वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हां फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कुछ ही देर में 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर कभी भी आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 3 का रिजल्ट आरआरबी चेन्नई के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है और खुशखबरी आ चुकी है। आरआरबी चेन्नई ने एनटीपीसी का लेवल 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है। हमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारी पिछली वीडियो देखी और हम पर ट्रस्ट किया है, वो यकीन मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने कुछ भी फेक नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें हम पर पूरा भरोसा है। जब भी हम अपडेट देते हैं तो सारी ऑफिशियल अपडेट देती है, कोई भी फेक अपडेट नहीं देते हैं। और इसी के बाद बात करें तो जो है आरआरबी चेन्नई ने जो एनटीपीसी लेवल 3 का रिज़ल्ट दिया है, तो उसका कट ऑफ कितना गया, इसके वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, शाम के 5:56 का वक्त हमने आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा। आप देख सकते हैं rrbchennai.gov.in। जब यहाँ पर आओगे एनटीपीसी वाला सेक्शन दिखाई देगा, तो देखिए एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी लेवल 3 क्लिक हेयर, मतलब कि रोल नंबर वाइज पीडीएफ यहाँ पर है। उसके बाद जो है कट ऑफ मार्क्स फॉर डीवी लेवल 3 क्लिक हेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट जो अपडेट दी गई थी अभी तक के, वो लेवल 5 की प्रोविजनल पार्ट पैनल की दी गई थी। उसके बाद जो है 2 अपडेट आज के दिन आपको शाम में 6 बजे से पहले देखने को मिल जाएगी, मतलब लेवल 3 का रिजल्ट और लेवल 3 का कट ऑफ। तो यहाँ पर ऑफिशियली रिजल्ट और कट ऑफ लेवल 3 का जारी कर दिया गया है आरआरबी चेन्नई के द्वारा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल देखिए, हमने जो बताया था आपको पूरा रियल फ्लैक्चुअल डाटा बताया था 100%, जो कि सच हो चुका है। ऐसा कि ऐसा एज इट इज़ आपको अपडेट देखने को मिल रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पीडीएफ में इसे ओपन करके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ हमने ओपन कर ली है आरआरबी चेन्नई के लेवल 3 के रिजल्ट की। देखिए यहाँ पर देख रखा है आरआरबी चेन्नई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ ये देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 3 पे लेवल 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लेवल 3 की पोस्ट के लिए टोटल अगर बात करें तो आरआरबी चेन्नई में 477 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है डीवी के लिए 477 कैंडिडेट्स को। और यहीं पर अगर बात करें तो डीवी की डेट इनकी कब की रखी गई है, तो देखिए यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देखिएगा, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी विल कमेंस फ्रॉम 18 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर लेवल 3 का जो डीवी होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का आरआरबी चेन्नई में, वो लेवल 3 वाले कैंडिडेट्स का 477 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है 18 जनवरी से, मतलब कि आज से 12 से 13 दिन बाद यहाँ पर जो है इन कैंडिडेट्स का जो है डीवी स्टार्ट हो जाएगा आरआरबी चेन्नई में। एंड जो डिटेल होगी वो सारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी, और डीवी के रिगार्डिंग जो है ईमेल और एसएमएस भी कैंडिडेट्स को भेज दिया जाएगा। अगर ईमेल और एसएमएस नहीं मिलता है तो वो जो है वेबसाइट पर देखते रहे। और उसी के बाद अगर बात करें तो जो डीवी के लिए ई कॉल लेटर होगा उसकी जानकारी भी वेबसाइट पर दे दी जाएगी आरआरबी की वेबसाइट पर। उसमें जो सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चाहिए हम देख लेते हैं कि आप कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई का लेवल 3 का हमने कट ऑफ ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो लेवल 3 में अगर बात करें तो टोटल जो है एक ही सिंगल पोस्ट थी यहाँ पर, वो थी नॉन टाइपिंग पोस्ट थी, और जो है कैटेगरी नंबर 9 में, ठीक है। साउदर्न रेलवे की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई है ओपन में जनरल कैटेगरी की यूआर की बात करें तो 91 गया है, एससी का 81 गया है, एसटी का जो है 82 गया है, और ओबीसी का 89 गया है, ईडब्ल्यूएस का 87 गया है। मतलब कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिला है आरआरबी चेन्नई में लेवल 3 का। मतलब कि यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिंगल एग्ज़ाम थी इसकी, इसमें कोई भी टाइपिंग वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं था, इसलिए यहाँ पर इतना हाई फाई कट ऑफ देखने को मिला है आरआरबी चेन्नई में। और जो हो सकता है कि आने वाले कुछ आरआरबी में इस तरह से ही हाई कट ऑफ आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर लेवल 3 में कोई भी टाइपिंग पोस्ट नहीं थी, ये डायरेक्टली मतलब डीवी के लिए ही थी। सीबीटी 2 के बाद इसका एग्ज़ाम, के सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट डीवी की पोस्ट है, ये डीवी होने वाला है जिसे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आरआरबी चेन्नई का जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था लेवल 3 का, जिसमें कट ऑफ रखा गया था यूनिक कैंडिडेट्स को जब लिया गया था, तो जो लेवल 3 का कट ऑफ रखा गया था उसमें जो है अब सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आया है, मतलब आरआरबी चेन्नई का, तो उसमें कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ देख लेते हैं। तो देखिए आरआरबी चेन्नई का जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, तो देखिए यहाँ पर दिया गया CN01/2019 एनटीपीसी CBT 1 कट ऑफ मार्क्स फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT, मतलब कि CBT 2 के लिए जब क्वालिफाई होते लेवल 3 में। तो देखिए बात करें तो जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 67 गया था, एससी का 53 गया था, एसटी का 52 गया था, और ओबीसी का 60, और जो है 40 ईडब्ल्यूएस का गया था आरआरबी चेन्नई में लेवल 3 का। लेकिन दोस्तों वहीं पर बात करें तो आरआरबी चेन्नई में लेवल 3 का कितना कट ऑफ इंक्रीज हुआ देख लेते हैं। तो देखिए 67 जो गया था वो जनरल का गया था, वहीं पर अब बात करें तो 91 कट ऑफ यहाँ पर गया है। मतलब कि आप देखिएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगभग 24 नंबर का फर्क देखने को मिला है। अब 24 नंबर का फर्क यहाँ पर जनरल में देखने को मिला है।
और उसी के बाद बात करें एससी का, तो एससी का यहाँ पर 81 गया है, वहाँ पर अगर जो गया था कट ऑफ वो 53 गया था और अब यहाँ पर जो 81 गया, मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग देखने को मिला है कट ऑफ का। एसटी का यहाँ पर 82 गया है, वहीं पर अगर बात करें तो जो 52 वहाँ पर उस टाइम पर CBT 1 का कट ऑफ गया था, CBT 2 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 52 की जगह 82 कट ऑफ, मतलब लगभग 30 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। वहीं पर बात करें तो OBC की 89 यहाँ पर कट ऑफ गई है, वहाँ पर जो गई थी तो वो लगभग गई थी वो 60 कट ऑफ गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 29 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है CBT 2 के रिजल्ट के बाद लेवल 3 में। और अगर EWS की बात करें तो वहाँ पर कट ऑफ गई थी 40, लेकिन यहाँ पर 87, मतलब 47 मार्क्स का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला है EWS कैटेगरी में। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, आप इसको भी जो है एक सर्विसमैन और जो है PWBD वाले कैंडिडेट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिला है कट ऑफ में, मतलब कि लगभग 49, 40, 47 मार्क्स तक यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं लेवल 3 के मार्क्स में, कट ऑफ मार्क्स में। तो दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, बाय फ्रेंड्स।